ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जिला झुंझुनू राजस्थान से उन अभ्यर्थियों का अभिनंदन व स्वागत करता हूं जो ड्राइवर की भर्तियां देखते हैं। दोस्तों, आपका अपना अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जिला झुंझुनू राजस्थान ग्राम बैसावता खुर्द में स्थित है। बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो अभी जो है ड्राइवरी ट्रायल टेस्ट होगा उसकी तैयारी हमारे यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। जो पैटर्न पे जो डिपार्टमेंट टेस्ट लेता है उसी पैटर्न के अनुसार हम जो है तैयारी कराते हैं। पिछली बार हमने जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है कीर्तिमान स्थापित किया था 2018-19 की भर्ती में। 208 सिलेक्शन हमने यहाँ पे दिए थे। तो बिहार पुलिस के अंदर में ड्राइवरी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, वाहन अधिनियम, रोड साइन और ट्रैफिक सिग्नल। ये 20, 40 नंबर के होते हैं और आपका जो है 60 नंबर के 3 टेस्ट आपके ड्राइवरी के होंगे। तो अभी आपको जो हम यहाँ पर जो है व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित अभ्यर्थियों का जो है वाइवा लेते हैं, उनको इंडोर में थ्योरी सिखाते हैं, आउटडोर में प्रैक्टिकल। अभी मैं एक एक अभ्यर्थी को यहाँ पर बुलाऊंगा और वो यहाँ पर बताएगा जो है उसको। आप देखें टेस्ट नंबर 1, आप इधर आओ। ये इसके सामने सामने जो ये क्या है, ये हेडलाइट, हेडलाइट है। इसको रात को कौन से बीम में चलाना चाहिए? लो बीम में। लो बीम में चलाना चाहिए। इसमें जो हेडलाइट का जो स्विच होता है वो स्टीयरिंग के राइट होता है या लेफ्ट होता है? राइट होता है। कहाँ होता है? राइट में, स्टीयरिंग के राइट में। स्टीयरिंग के राइट में। और वाइपर स्विच? वाइपर स्विच लेफ्ट में। वाइपर स्विच कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। ठीक है, आप मेरे को बताइए इसके अंदर जो ये काले अक्षर से और सफेद प्लेट से काले अक्षर में लिखा, इसका क्या मतलब है? पर्सनल गाड़ी है। ये क्या है? पर्सनल व्हीकल है। और कमर्शियल का पीला यानी रंग का प्लेट और काले अक्षर से लिखा हुआ, पीला का काले से। और इलेक्ट्रिक का हरा रंग का प्लेट होता है, हरा रंग का और काले से लिखा हुआ है, हरा और काले से। वेरी वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, ताली बजाइए एक बार जोर से, ये पकड़िए। जो है इसके अंदर में जो इंडिकेटर स्विच होता है गाड़ी के अंदर में, वो राइट होता है कि लेफ्ट होता है? राइट में होता है। राइट में होता है। इंडिकेटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना चाहिए? इंडिकेटर मुड़ने के समय, चाहे आप लेफ्ट मुड़े तो लेफ्ट इंडिकेटर, राइट मुड़े तो राइट इंडिकेटर, और अगर सीधे जा रहे हैं और रोड क्रॉस कर रहे हैं तो सीधा चारों पीछे वाला इंडिकेटर। अच्छा, शाबाश। आप जो है हाईवे पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो एक गाड़ी से पिछली गाड़ी का दूरी कितना होना चाहिए? कम से कम 40 से 50 मीटर। कितना होना चाहिए? 40 से 50। और आप कहीं मतलब गांव या शहर से गुजर रहे हैं तब? गांव या शहर से गुजर रहे हैं तो 20 से 25 मीटर के। 20 से 25 मीटर। ये क्या है कि जैसे जैसे आपका रोड इजाजत देती है, पब्लिक एरिया है या वो डिस्टर्ब है थोड़ा, तो आप दूरी को कम कर लेना ताकि रोड के ऊपर जो है ज़्यादा ट्रैफिक का लोड न पड़े और गाड़ी आगे की तरफ जो है चलती रहे। आप मेरे को बताइए जो ये गाड़ी है, गाड़ी के जो टायर हैं, टायर में यदि ज़्यादा हवा भर देंगे तो वो कहाँ से घसेगा? ज़्यादा हवा भर देंगे तो वो आगे से घसेगा, बीच से घसेगा। और कम बीच से घसेगा, मतलब इस पोर्शन से, इस पोर्शन से। और ये जो कटा कटा भाग है टायर का, इसका भी, इसका क्या मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रिप, ग्रिप, ये क्या किसके लिए होता है? ये ग्रिपिंग के लिए होता है, पकड़ के लिए होता है। उसके गाड़ी के अंदर जो साइड मिरर लगा हुआ है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल मतलब क्या होता है? दूर की वस्तु को नजदीक देखते, दूर की वस्तु को नजदीक देखते हैं। शाबाश। नेक्स्ट, चलिए आप मेरे को बताइए चेचिस कितने प्रकार के होते हैं? चेचिस दो प्रकार के। कौन कौन सा होता है? फुल फॉरवर्ड, सेमी फॉरवर्ड। फुल फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड, जोर से बोलिए। फुल फॉरवर्ड, सेमी फॉरवर्ड। फुल फॉरवर्ड और सेमी फॉरवर्ड। ये गाड़ी है, इसके शीशे तिरछे क्यों है आगे से? वो मतलब वायु का दाब कम करने के लिए, वायु का दाब कम कर सके ताकि इसकी गति के अंदर अवरोधता पैदा न हो और इसकी स्पीड ज्यादा से जा सके। जैसे हवाई जहाज वगैरह होती है इसी प्रकार से जो उसका आगे से मुंह पहना होता है। हवाई जहाज को खड़े करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैंगर कहते हैं। हैंगर। और गाड़ी को पार्किंग करते हैं उसको गैरेज। क्या होता है? गैरेज। अरे बात समझ में आ रहा है? हाँ। बॉडी कितने प्रकार की होती हैं? बॉडी सर अनलिमिटेड होता है, प्लास्टिक होती है जैसे। अच्छा, बॉडी कई प्रकार की होती हैं और कई प्रकार के धातु से बनी हुई होती हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, जो आप जो ब्रेक होता है, ब्रेक वो राइट होता है या लेफ्ट होता है?
ये ब्रेक सर राइट होता है। राइट होता है। और ब्रेक को कौन से पैर से इस्तेमाल करते हैं? ब्रेक को राइट पैर से इस्तेमाल करते हैं सर। ब्रेक को राइट पैर से, ब्रेक और एक्सलेटर राइट पैर से इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश। ये हमारे अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हम बच्चों को इतना प्रिपेयर और इतना जो है तैयारी करवाते हैं जिससे कि वो हर प्रकार का ओपनली जो भी गाड़ी के अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट और जो असेंबली लगी होती हैं उन असेंबलियों का, ताकि उनको अच्छी तरीके से उनका जो है नॉलेज हो। ये चीज़ हम इनको बेसिक में थ्योरी, आउटडोर में प्रैक्टिकल और हर गाड़ियों के पास जा जाकर हर प्रकार की चीज़ें इनको जो है सिखाते हैं। तो यदि आप बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर की भर्ती के अंदर आप ड्राइवरी के जो है कर रहे हैं तो एक बार अवश्य अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आए। जय हिंद, जय भारत। खोल दो इसको।